हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन अभी अभी पब्लिश हुई है। अभी एसएससी की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन नहीं है, बट ये पब्लिश हो गई है, ऑफिशियल है, तो ये फेक नोटिस नहीं है। कई लोगों का ये सवाल था कि क्या ये फेक नोटिस है, तो फेक नोटिस नहीं है, वेरीफाइड है और वेबसाइट पर आपको कल तक शायद दिख जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। बिफोर आई स्टार्ट, अन अकेडमी पर मेरे दो कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 23 जुलाई से, एक्टिव पैसिव और नरेशन का, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का 15 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा डेली दो फ्री क्लास चलती है, 1 बजे दोपहर में रीजनिंग की और 5 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी पर हर एग्जाम के लिए बैच है, CGL, CHSL, CET, सफलता बैच, SSC GD कांस्टेबल के लिए देखिए पहले से ही बैच चल रहा है यहाँ पर, SSC MTS के लिए भी बैच है, GD के लिए कई सारे बैच हैं, स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, CPO के लिए बैच है आपका, और इसके अलावा कई सारे बैचेस हर एग्जाम के लिए चल रहे हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का डिस्काउंट, 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, और आप सिर्फ 5850 में ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ करना होगा, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो 7020 रुपीज़ में आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे, ये रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा। और SSC और बैंक की तैयारी करनी है तो ये कॉस्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT का यूज़ कर सकते हैं फॉर 10% डिस्काउंट। और अगर आपकी कोई डिस्काउंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि जो डेट्स हैं आपकी 17/7 यानी कि आज 17/7 यानी कि जुलाई की जो डेट है इसमें इनकी ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। 17/7 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है, और इसके अलावा इसकी जो 31 जुलाई तक की नोटिफिकेशन, 17 जुलाई से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, और कल से यानी कि कल से एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी और 31 अगस्त तक एप्लीकेशंस चलेंगी। मेरा आप लोगों से ये बहुत ही विनम्र निवेदन होगा कि अगर कल से नोटिफिकेशन जैसे आ गई है और कल से ये शुरू होती हैं अगर आपकी एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो भैया कल से ही प्रयास करना शुरू कर देना, क्योंकि आखिरी हफ्ते में आपको भी मालूम है कि सर्वर डाउन हो जाता है, वेबसाइट नहीं चलती है, तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से बचना है तो जाके आप तुरंत जाके फॉर्म भर देना अगर आप इसको इसके लिए अप्लाई करना है आपको, बिल्कुल इंतजार मत करना लास्ट डेट के लिए। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31/8/2021 को रात के 11:30 बजे तक एप्लीकेशन लिया जाएगा। पेमेंट करने का आखिरी तारीख 2 सितंबर होगा, और ऑफलाइन चैनल जनरेट करने का आखिरी तारीख 4/9 सितंबर होगा, और ऑफलाइन चैनल पेमेंट करने का तारीख 7 सितंबर होगा, ठीक है। शेड्यूल अभी जो है एग्जाम का वो इन्होंने अभी इन्फॉर्म नहीं किया है, एग्जाम की डेट अभी इन्होंने नहीं बताई है, बाद में बताएंगे कि कब एग्जाम होगा और क्या होगा। द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी। एग्जाम जो है वो आपका कमीशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट कराएगा। ये PDF आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इसको क्लियर फॉर्म में देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होगा। PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो चीज़ें शेड्यूल की जाएंगी CAPF के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और शेड्यूल भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स फॉर द कैंडिडेट्स एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह देखे जाएंगे आपके। इसके अलावा यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए जरा, सॉरी, हाँ जी। तो इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन दी हुई है। तो मेल में आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो 22,000 वैकेंसीज हैं टोटल, और BSF में 6,500 के आसपास, CISF में 7,610, CRPF में एक भी वैकेंसी नहीं है, SSB में 3,806, ITBP में 1,216, 3,150 AR में हैं, NIA में 0 हैं, SSF में 194 हैं, टोटल आपकी 22,424 वैकेंसीज हैं। फीमेल में आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पर आपको मिलेंगी, फीमेल के लिए जो वैकेंसीज हैं
वो टोटल वैकेंसीज, ग्रैंड टोटल वैकेंसीज 25,000 है, फीमेल के लिए वैकेंसीज 2,847 टोटल हैं, और बीएसएफ में फीमेल के लिए 1,132 और सीआईएसएफ में 854 और बाकी में नहीं है। आईटीबीपी में 215 हैं, एआर में 600 हैं और आपका एसएसएफ में 46 है, बाकी जगहों में इनमें पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड ऑन द वेबसाइट, यानी कि वैकेंसीज अभी टेंटेटिव हैं और इनमें से काफ़ी भी वेबसाइट पर हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इसके अलावा 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए होंगी। इसके अलावा जो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप जो है, इट मस्ट बी इंडियन, वैकेंसीज आर ऑफ द स्टेट, वैकेंसीज आर स्टेट यूटी वाइज, हैंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल पीआरसी अगेंस्ट हिज स्टेट, यानी कि जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, इसलिए आपको जिस भी राज्य से अपना फॉर्म भरेंगे उस राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। एज लिमिट 18 से 23 साल है, आपकी 18 से 23 के बीच अगर आप आते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है आपका, यहाँ पे ये दो चीज़ें रिलैक्सेशन हो जाती है, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये आपकी बाकी इसकी चीज़ें हैं। पे स्केल 21,700 से इसका पेमेंट शुरू होता है, यानी कि बेसिक 21,700 है, तो ओवरऑल आपकी जो सैलरी है इसमें आप 28% डीए और 25% एचआरए जोड़ लेंगे तो आप इसकी सैलरी आपकी करीब 30,000 के आसपास इसमें बन जाएगी। तो ये आपकी वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई सारी। फॉर्म आप भर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। ये कुछ आपको कोटा मिलता है एनसीसी सीटीसी सर्टिफिकेट का 5%, आपको इंसेंटिव मिलेगा टोटल मार्क्स का, बी सर्टिफिकेट का 3%, सी और ए सर्टिफिकेट का 2%। ठीक है, तो ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। आप इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जान लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का जो है 25 क्वेश्चन आएगा और 25 मार्क्स का पेपर होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जीएस जो है आपकी 25 मार्क्स का आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क के होंगे, नहीं एक का क्वेश्चन एक मार्क का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के, और इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा तो आप वो चूज कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क के। ठीक है, 90 मिनट्स का पेपर होगा, टोटल 100 आपके क्वेश्चन होंगे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, इतने सब्जेक्ट्स का आपका पेपर होगा। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, एसएससी अनअकैडमी पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश पढ़नी है तो मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम की अभी इन्होंने डेट्स नहीं बताई, इसके बाद इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस में कुछ खास नहीं है, आप सिलेबस जो है एसएससी का जैसा है ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको मेल्स को 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 6.5 मिनट में, फीमेल को फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, और इसके अलावा फीमेल्स को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में, और ये आपका बाकी स्टेट्स के लिए है, ये लद्दाख रीजन के लिए ये है, और 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो मेल की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके अलावा रिलैक्सेशंस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। चेस्ट में है, मेल का जो कैंडिडेट है उसका चेस्ट मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये आपका वेट के इन्फॉर्मेशन है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, अंडर वेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, और इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही डिटेल्ड होता है इसका, क्योंकि ये पूरी एक तरीके से सेना में भर्ती होती है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज नेम एंड, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपका लगेगा फॉर द एज नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को करने के लिए। ठीक है, वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट भी लग सकते हैं, लगेंगे आपके, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा एडमिशन टू एग्जामिनेशन इसके बारे में दिया है, एंड दिस इज़ इट फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको PET, PST सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट दिस वैकेंसी। आई थिंक आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में मिल गई होगी। डिटेल्ड नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप टेलीग्राम से जाके इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा और वहाँ से आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा।
ठीक है। और ये आपको बेसिक तारीख मैंने बता दी, 17 जुलाई से 31 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो भाई फॉर्म भर दो जल्दी से अगर भरना है तो, और क्योंकि आखिरी में डिले हो जाता है और तमाम चीज़ें होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप उसके लिए बाद में कंप्लेन करें। सो लेट्स कीप इट टिल हियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मुझे मैसेज करिए। फॉर फर्दर डिस्काउंट्स एंड क्वेरीज आप 8299117042 व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।